हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों का जवाब देने वाला हूं। आप लोग जितने भी कमेंट्स किए हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जितने भी कमेंट्स किए हैं उन सब का जवाब मैं आज देने वाला हूं। ये थंबनेल्स पे आप देखिए, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आप लोगों के सवालों का जवाब, मतलब जो भी आप लोग कमेंट किए हैं उसका जवाब मैं देने वाला हूं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पिक किए हैं जो जेन्युइन है और थोड़ा नेगेटिव भी है, बहुत सारे पिक किए हैं, तो उसका मैं जवाब देने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को मेरे और एक नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMJS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का कमेंट में क्या क्या सवाल आया है, उसका जवाब देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का कमेंट में क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स को पिक किया है आप लोगों के लिए ही, आप लोगों का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले देखिए NZD चैनल, इसने कमेंट किया है, मनोरंजन PM है क्या नौकरी दिलाने वाला। तो उन्होंने पूछा है कि मनोरंजन PM है क्या नौकरी दिलाने वाला। अगर PM होता तो बहुत अच्छा होता, पहले ही आप लोगों का काम हो जाता। PM नहीं है इसलिए तो बहुत सारे लोगों से मतलब परमिशन लेना पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों का काम लेट हो रहा है। अगर PM होता तो पहले ही हो जाता, लेकिन वो पूरे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का काम जल्दी से जल्दी करें। तो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए उत्पल बसुमतारी ने कमेंट किया है, दिसंबर माह भी गया ऐसे ही चलता रहेगा क्या। तो देखिए दिसंबर महीना भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, इसी ने सही बोला है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, ऐसे चलता नहीं रहेगा, आप लोगों का काम ज़रूर होगा। अब और कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि लिंक होना बाकी है, लिंक होने के बाद आप लोगों का काम हो जाएगा। और नेक्स्ट कमेंट देखिए रूमा सरकार ने किया है, कुछ ना होगा फालतू वीडियो क्यों डालते हो। देखिए मैं तो वीडियो डालता रहूँगा, जो भी अपडेट से मैं डालता रहूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो मत देखिए, आप देखिए मत मेरा वीडियो, आपको अगर प्रॉब्लम है तो। और दूसरा कमेंट देखिए गीतांजलि देवी ने किया है, हम लोग को अभी तक नहीं मिला, उन लोगों को क्या मिलेगा, नहीं होगा जॉइनिंग अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए लग तो सभी को ऐसा ही लगता है कि जॉइनिंग नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे काम हो चुका है, आप लोगों का जॉइनिंग ज़रूर होगा। बस कुछ दिन और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप लोगों का मतलब ऑल ओवर इंडिया में लेबर यूनियन मतलब लेबर्स है यूनियन के अंदर में, उन सब का काम ज़रूर होना है, क्योंकि FCI लोगों का हो गया है, कुली लोगों का हो गया है, तो हमारा क्यों नहीं होगा। हम तो एक इंडिया का सबसे बिगेस्ट मतलब लेबर यूनियन का हिस्सा है, तो हम लोगों का भी ज़रूर होना है। बस आप लोगों को कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, वो पूरा होने के बाद ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट कमेंट देखिए यहाँ पे देखिए प्रसन्नजीत रॉय ने कमेंट किया, सर जॉइनिंग कब होगा बताइए। देखिए जॉइनिंग के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा कि जॉइनिंग इतने तारीख को ही होगा, जब आप लोगों का लिंक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब आप लोगों का जॉइनिंग ज़रूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। लिंक होने के बाद आप लोगों का जॉइनिंग ज़रूर हो जाएगा, और लिंक भी स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को तो पता ही है 25 दिसंबर से लिंक स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ का जितने भी लीडर्स हैं सभी से मैंने बात किया, उन लोगों ने कहा कि 25 दिसंबर से आप लोगों का लिंक स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो 25 दिसंबर आने पर पता चलेगा कि लिंक होगा क्या नहीं, लेकिन आपका लिंक होने के बाद जॉइनिंग ज़रूर होगा। नेक्स्ट कमेंट देखिए SK एंटरटेनमेंट ने कमेंट किया है, कोई दो सबूत लेकर आओ आप। देखिए ये भी मैं आप लोगों को पूरा कर दूँगा, ये इच्छा भी आप लोगों का पूरा कर दूँगा, बहुत ही जल्द मैं एक सबूत के साथ आऊँगा, दो सबूत के साथ आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि लिंक हो रहा है या जॉइनिंग हो रहा है। किसी के बारे में भी कोई सबूत मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए रूपक मित्रा ने कमेंट किया है, मतलब फॉर्म फिलअप चलता रहेगा तो डेटा सबमिट कब होगा। हाँ, इसने बहुत अच्छा सवाल किया है, फॉर्म फिलअप चलता रहेगा तो डेटा सबमिट कब होगा। देखिए डेटा सबमिशन आपका दिसंबर, आज तो कितना है, आज 21 शायद, हाँ आज 21 है, तो आपका डेटा सबमिट हो रहा है धीरे धीरे। आपका डेटा मतलब आप लोगों का जो भी लीडर है वो लिस्ट बना रहे हैं, मतलब गोदाम में एक डब्बा में मतलब एक कोच में कितना लेबर, कितना मुंशी, कितना अंसिलारी काम करेगा, ऐसा एक लिस्ट बना रहे हैं। ऐसा लिस्ट मतलब बहुत सारी लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद ऊपर जमा करेंगे, तब आप लोगों का लिंक होगा, तब आप लोगों का डेटा भी सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम बिगिन ने कमेंट किया है, सर प्लीज़ कब तक ज्वाइनिंग होगा, 2023 में हो जाए होगा या नहीं होगा। देखिए भाई 2023 में तो कंफर्म है, ये मैं बता सकता हूँ 2023 में कंफर्म है आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर ज्वाइनिंग कब होगा, देखिए भाई ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप ही ने कमेंट किया था थोड़ा देर पहले, आपका ही मैसेज मैंने पढ़ा था, ज्वाइनिंग ज़रूर होगा, आप लोग को
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। नेक्स्ट देखिए, पद्माधार ने कमेंट किया, भाई एक बात बताओ ना प्लीज़, 2030 से पहले नहीं होगा क्या? मीटिंग होना बाकी है 2030, लोगों को एकजुट होना है ना इसीलिए, क्योंकि कोई बात नहीं और 8 साल है 2030, मीटिंग करते करते निकल जाएगा टाइम। मेरा हिसाब से 2030 के बाद ज़रूर होगा। आप जो सोच रहे हैं वो मैं भी समझ सकता हूँ। देखिए, सभी का सोच यही है कि काम नहीं हो रहा है, क्या हो गया, बहुत दिन हो गया। ये बात नहीं है, आप लोगों का काम ज़रूर हो जाएगा। बस मतलब ये गवर्नमेंट का काम होता है ना, थोड़ा स्लो ज़रूर होता है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत सारे होते हैं पूरा करने होते हैं, इसलिए थोड़ा लेट होता है, लेकिन काम ज़रूर होगा। ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का गारंटी के साथ काम ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन काम ज़रूर होगा। नेक्स्ट कमेंट देखिए, कब तक ये सब चलता रहेगा ये बताओ, कि ज्वाइनिंग कब से दे रहा है। देखिए, ये तो जब तक आप लोगों का लिंक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, मीटिंग तो चलता रहेगा, जब लिंक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, जब ज्वाइनिंग होगा उसके बाद ही रुकेगा, नहीं तो ये मीटिंग तो चलता ही रहेगा। देखिए, मधुसूदन दास ने कमेंट किया, जो चल रहा है तो ज्वाइनिंग अगले 10 साल भी नहीं हो सकता। ये आपका गलत फहमी है, काम ऑलरेडी हो चुका है, बस आप लोगों का लिंक होना बाकी है और ज्वाइनिंग होना बाकी है। नेक्स्ट, विशाल राउत ने कमेंट किया, अरुण कुमार पासवान कब मरेगा, उसके रहते कुछ नहीं होने वाला। ये कैसा सवाल है भाई, अरुण कुमार पासवान कब मरेगा सवाल कर रहे हैं आप, उसके रहते कुछ नहीं होगा। अगर देखिए उसके रहते कुछ नहीं हो रहा था, आपके रहते क्या हुआ है, आपने क्या उखाड़ा है? अगर आप कुछ कर सकते तो कीजिए खुद से, अगर नहीं कर सकते तो दूसरा को ब्लेम करके क्या फ़ायदा। वो तो एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं ना हम लोग को अपना हक दिलाने का। आप लोगों को, आप लोग जितना भी नेगेटिव कमेंट कीजिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बनाता रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना भी नेगेटिव कमेंट करते रहिए। ये मतलब ये कोई सवाल ही नहीं हुआ, अरुण कुमार पासवान जी कब मरेगा, उसके रहते कुछ नहीं होगा। देखिए, वो है बोल के आप लोगों का काम इतना आगे निकल चुका है, अभी ज्वाइनिंग के कगार पे है आप लोगों का काम, तो कुछ दिनों में ज्वाइनिंग होने वाला है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, कुछ दिनों में ज्वाइनिंग होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, मिहिर सरकार ने कमेंट किया, भाई ज्वाइनिंग कब होगा। जल्द, बहुत ही जल्द होगा भाई, ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द होने वाला है, बस लिंक हो जाए उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। सोमेन वैद्य ने कमेंट किया, अभी भी पंजीकरण उद्घाटन समारोह चल रहा है, चल क्या रहा है, पूरा समाज के, पूरा समझ के बाहर है। देखिए, पंजीकरण समारोह वहाँ पे चल रहा है जहाँ पे अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ था, लिंक मतलब आईडी नहीं बना था, वहाँ पे चल रहा है। और बाकी जो इलाके हैं जहाँ पे पंजीकरण हो चुका है, रजिस्टर में साइन हो चुका है, आप लोगों का QR कार्ड, श्रम कार्ड और लेबर कार्ड मिल चुका है, वहाँ पे जो ग्रीन कार्ड मिल चुका है, उस जगह पर अभी मतलब ज्वाइनिंग का प्रक्रिया चल रहा है। ये तो बस जहाँ पे आप लोगों का ये नहीं है, मतलब पंजीकरण नहीं हुआ है, वहाँ पे मतलब ये पंजीकरण का प्रक्रिया चलेगा। फिर दीप मजुमदार ने कमेंट किया, त्रिपक्षीय बैठक ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा, लिख लेना। ठीक है, लिख लिया मैंने। फिर रूमा सरकार ने कमेंट किया, ऐसा खुशियाँ नहीं चाहिए, वीडियो मत बनाओ, आपको प्रॉब्लम है आप मत देखो, मैं तो बनाऊँगा। फिर सुबोध गिरी ने कमेंट किया, ज्वाइनिंग कब से शुरू होगा। ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी शुरू होगा भाई, मतलब जब आप लोगों का लिंक प्रोसेस स्टार्ट होगा, लिंक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग को लेकर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं आप लोग काम करते रहिए, उसके साथ साथ आप लोगों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ये दिसंबर से आप लोगों का लिंक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर लास्ट से, तो आप लोगों का 2023 को ज्वाइनिंग ज़रूर होगा, ज्वाइनिंग ज़रूर हो जाएगा। ये कन्फर्म नहीं है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग जनवरी में ही होगा, फिर भी मतलब ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। अनूप सरकार ने कमेंट किया, गवर्नमेंट ने कुछ भी डिमांड नहीं मिला, झूठ बात बोल के लोगों से पैसा लूट रहा है ये BRMGSS संगठन। तो अगर आपको लगता है कि BRMGSS झूठ बोल रहा है तो आप इसमें इन्वॉल्व क्यों हैं, ये तो आपका गलती है ना, आप इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आपको लगता ही था कि झूठ बोल रहा है BRMGSS तो आपको आना ही नहीं चाहिए था BRMGSS में, ये आपका ऊपर है, आपका बात है। आपको तो ज़बरदस्ती करके नहीं बुलाया गया है ना, आप खुद आए हैं, ये आपका ऊपर बात है। देखिए, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये अपने आप को ब्लेम कीजिए, आप खुद आए हैं यहाँ पे। और ये BRMGSS एक बहुत ही बड़ा संगठन है, इंडिया में सबसे बिगेस्ट ट्रेड यूनियन संगठन है, आप लोगों का काम ज़रूर होना है। आप लोग भरोसा करो या ना करो, मैं तो यही कहूँगा कि काम ज़रूर होगा, एक ना एक दिन काम ज़रूर होगा, 1-2 दिन लेट हो सकता है फिर भी काम ज़रूर होगा। फिर नेक्स्ट, स्माइल वन ने कमेंट किया, NFR पर अभी भी कैंडिडेट ढूंढ रहा है, काम अगले 5 साल में भी नहीं होगा, मैं निकल जाऊंगा March 31st तक। भाई देखिए, जितने दिन इंतज़ार किया है उसके हिसाब से तो आपको और थोड़ा दिन इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी काम होने वाला है।
कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट क्या है, बीना रॉय ने कमेंट किया, हमारा तो लिंक हो गया बट ज्वाइनिंग कब होगा। अच्छा ठीक है, आपका लिंक हो गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपका लिंक जो भी हुआ है मैसेज आया उसका स्क्रीनशॉट एक भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा। फिर देखिए फर्स्ट लुक ने कमेंट किया है, आप ये कन्फर्म कैसे बोल सकते हैं कि 25 से लिंक होगा, क्या प्रूफ है इसका, आपको कैसे पता चला कि 25 से लिंक होगा। देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर हैं उन लोगों से मैंने सबसे बात किए हैं कि उन्होंने कहा कि 25 तारीख से लिंक होगा, जब 25 तारीख आएगा तब पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए संबारू बोरो ने कमेंट किया है, काहे चिंता नहीं करना है भाई, क्योंकि आप लोगों का ज्वाइनिंग होने वाला है इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है, लिंक होने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्पल बसुमतारी कमेंट किया, कभी कब होगी, दिसंबर माह भी जाने वाला है। देखिए दिसंबर महीना भी ख़त्म होने वाला है ये तो सबको पता है, तो ज्वाइनिंग के बारे में कोई अपडेट्स नहीं आया है, अगर अपडेट्स मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट दिलीराम अधिकारी ने कमेंट किया, आलू काम होगा, आलू काम नहीं होगा भाई, BRMGSS का काम होगा। हाँ शायद आप पूछ रहे हैं कि आलू काम होगा, आलू का बोरी उठाना पड़ेगा, समझ गए आप मेरे बात। तो नेक्स्ट देखिए उमेश चौधरी ने कमेंट किया, आपके लिए बेटर होगा कि आप ज्वाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस मत डालो यूट्यूब चैनल पर। देखिए आप लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रहा है तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, आप दूसरा का वीडियो देख लीजिए। मुझे तो जो भी अपडेट्स मिलेगा मैं तो डालता रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक VRMGSS का हिस्सा हूँ, मुझे भी तो ज्वाइनिंग चाहिए। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी देना चाहिए, इसीलिए मैं देता हूँ। उसमें आप लोगों को तकलीफ़ हो रहा है तो आप लोग, वो तो आपका गलती है, आपको मतलब वीडियो नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उमेश चोटी ने फिर से कमेंट किया, ये ज्वाइनिंग से रिलेटेड वीडियो आप 3 साल से बना रहे हो लेकिन आज तक कंफर्म न्यूज़ नहीं दिया कि ज्वाइनिंग कब होगा। देखिए भाई ये आपका गलत फहमी है, मेरा चैनल को सिर्फ 4 महीना हुआ है, 3 साल नहीं हुआ है। 4 महीने अगस्त से स्टार्ट किया था मैंने चैनल, 3 साल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए BRMGSS वोकर्स ने कमेंट किया, पता नहीं कब होगा भाई, देखिए बहुत ही जल्द होने वाला है, सब काम ऑलरेडी हो चुका है, बस आप लोगों का लिंक होना बाकी है, उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। बस यही कमेंट्स, आप लोगों का जितने भी कमेंट्स था मैंने आप लोगों का सवाल जवाब दे दिया है, शायद आप लोगों को अच्छा भी लगा हो बुरा भी लगा हो। और अगर आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप ये कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो, अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।